कुछ 20 साल पहले आई एम थर्टी एट राइट नाउ बीस साल पहले जब मैं अच्छी खासी मोटी टीनेजर थी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई डिड हैव अ लॉट ऑफ ऑन सेल थाइज एंड आई स्टार्ट वेरी सिंपल थिंग्स एट दैट टाइम जो मुझे मेरी मॉम ने बताया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेल्यूलाइट एक्चुअली बस खत्म हो गया इट डेंट रियली स्टे देर एंड आई नेवर थॉट अबाउट इट बट टू आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सम थिंग्स आई हैव डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ चीजें जो मैंने अभी करी शुरू करी हैं फ्रॉम एन एंटी एजिंग विच आई फील ट्रूली वर्क ऑन सेल्यूलाइट मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आपका सेल्यूलाइट बहुत इंटेंस है देन वॉट आर द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आप एक डर्माटोलॉजिट के साथ कर सकते हैं हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन कैरिटी एंड अटाइड स्किन केयर कंसल्टेंट टूड ऑफ हाउ डू गेट रेड ऑफ सेल्यूलाइट एट होम हाउ डू गेट रेड ऑफ सेल थाज पे होता है फॉर मोस्ट वन हिप्स पे भी होता है जहां कहीं सेल्यूलाइट है वे गोन ए गेट रेड ऑफ इट

ऑन अलोंग योर स्किन लाइन जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं विच इज़ वाई दे क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ बम्पी टेक्सचर नाउ सेल्यूलाइट को खत्म करने के लिए बहुत सारी क्रीम्स हैं एंड आई हैव लिटरली एज आई वॉज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो क्योंकि मैं थोड़ी सी आउट ऑफ टच रही हूँ आई एक्चुअली डिड माई रिसर्च एंड आई सर्च फॉर सेल्यूलाइट क्रीम्स और एंटी सेल्यूलाइट क्रीम्स एंड आई सॉ सो मनी थिंग्स ऑन एमजॉन सो मेनी थिंग्स लाइक ऑन अदर वेबसाइट्स फिर मैंने उनके इन्ग्रीडियंट लिस्ट चेक किए एंड आई रिलाइज दैट दे आर एक्चुअली दे डोंट रिली वर्क बिकॉज अगर आप शेयर बटर नया सिनेमाइट इस तरह की अमेजिंग चीजें डाल भी देंगे किसी क्रीम में फैट कैसे मेल्ट होगा फैट थोड़ी मेल्ट कर देगा नाया सिनेमाइट इवन इट्स ऑल इट्स ग्लोरी पॉसिबल राइट सो आई एम टॉक टू अबाउट अ कपल ऑफ सिंपल गोइंग टू गिव यू ऑफ वन थिंग ड्राई ब्रशिंग ड्राई ब्रशिंग कोई नई टेक्निक नहीं है एक्चुअली एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो औरतें सालों सालों से करती आ रही हैं इनफैक्ट माई ग्रैंड मदर हु टोल्ड मी की जब वो एक टीन थी

वो रूट कम्प्लीटली फाइब्रस हो जाती है एंड देन वॉट यू गेट इज अ नेचुरल लूफा विच पीपल हैव बिन यूजिंग इन इंडिया स्पेशली नॉर्थ ऑफ इंडिया पंजाब वुमेन हैव बिन यूजिंग इट ऑल्सो वुमेन हैव बिन यूजिंग इट इन इजिप्ट जब इतनी बड़ी लौकी होती है फिर उसको काट के दे इज डिडेड अमंगसल्स एंड दे इज टू यूज इट उसे वो ऑब्वियसली सोप के साथ तो यूज करते ही थे एज अ नेचुरल लूफा लेकिन उसके साथ भी ड्राई ब्रशिंग की जाती थी सो ड्राई ब्रशिंग अब थोड़ा फैंसी हो गया है वी हैव न्यू थिंग्स ऑन एमेजोन बट इट्स नथिंग न्यू वुमेन हैव बिन डूइंग इट फॉर सेंचुरी

अभी हम लूफा से नहीं करते हैं ड्राई ब्रशिंग बट वेन आई वॉज डूइंग ड्राई ब्रशिंग यर्स अगो मेरे घर में जो लौकी लगी थी जो सूख गई थी जिससे मेरी मॉम लूफा बनाती थी, थी उसी से ड्राई ब्रशिंग करी थी अब ऑफकोर्स आई गेट लाइक अ नाइस फैंसी ड्राई ब्रश फ्रॉम अमेजो बहुत टाइप के आते हैं यू गेट छोटू वंस जो मैं आपको जिसके साथ डेमो दिखाऊंगी जो छोटा सा होता है जो हाथ में फिट हो जाता है एंड देन यू कैन डू ड्राई ब्रश अगर आपको बैक एरिया पे ज़्यादा सेल्यूलाइट है या हिप एरिया पे है यू कैन ऑर्डर द लॉन्ग द लॉन्ग stem ones, the long stem ones, or dry brushing. So I'm going to show you how you do dry brushing and that is the number one technique when it comes to helping yourself get rid of cellulite. That's the number one thing. Now let's get into the demo. बिफोर यू स्टार्ट ड्राई ब्रशिंग आपको अपने लिम्फ नोट को एक्टिवेट करना है दैट इज द आइडियल थिंग टू डू अब हमारे लिम्फ नोट होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी यू स्टार्ट विद योर नेक अगर आप नेक पे ड्राई ब्रशिंग नहीं भी कर रहे हैं ये नेक के पीछे के हिस्से को अच्छे से मसाज करें डू अबाउट सो रिलैक्सिंग डू अबाउट अ फ्यू रोटेशंस इस तरह से आपको हाथ को ऐसे हिलाना है डू अ फ्यू रोटेशंस एंड एक्टिवेट दिस एरिया यहाँ पर भी लिम्फ नोड्स होते हैं मैंने अभी कोई ऑयल नहीं लिया है आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई हैंड बिकॉज हमें ड्राई ब्रशिंग करनी है एंड देन डू दिस इज वेल द नेक्स्ट पार्ट यू विल कम टू इज योर अंडर आर्म एरिया देन दिस एरिया नाउ यूर गू गो डाउन टू यीज जो मैं ड्राई ब्रश यूज करती हूँ इज लाइक दिस बिकॉज मुझे इस तरह का यू नो हैंडल पसंद है जिस गिवज मी अ लिटिल बेटर ग्रिप एंड यू विल ऑलवेज स्टार्ट बाई ड्राई ब्रशिंग फ्रॉम दी अंडरनीथ पोर्शन ऑफ योर बॉडी यानी पैरों से हम शुरू करते हैं नाउ अंडरस्टैंड आपको अपने स्ट्रोक्स को जेंटल रखना है जस्ट टू गिव यू अस लाइक दिस आपको प्रेशर नहीं डालना यू डोंट हैव डू प्रेस इट इन एंड देन रगड़ो इट आपको स्किन पे इरिटेशन होगी रेडनेस होगी एंड इफ़ यू आर ड्राई ब्रशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी सी रेडनेस हो सकती है सो रिड्यूस द अमाउंट यूर ड्राई ब्रशिंग व्हाट आई मीन बाय दैट इज इसके जितने स्ट्रोक्स आप देते हैं उसे कम करें डू दैट एज अ फर्स्ट स्टेप एंड डोंट डू इट एवरी ऑफ द डे स्टार्ट विद लाइक वंस अ वीक एक्सेट्रा अगर आपको थाइस पे सेल्यूलाइट नहीं है लेट से आपको सेल्यूलाइट आर्म्स पे है तो भी आई रेकमेंड कि ड्राई ब्रशिंग आप ऊपर से ही कर नीचे से ही करें एंड देन गो अपज दैट इज द राइट वे टू डू इट सो वी विल स्ट ड्राई ब्रशिंग फ्रॉम आर फीट इस तरह से जेंटल छोटे स्ट्रोक्स में यू को नॉट टेक योर ड्राई ब्रश अप अभी मैं नॉर्मल स्पीड पे ही कर रही हूँ आई है स्पीड सो यू कैन अंडरस्टैंड की कितने फ्रीक्वेंटली आपको स्ट्रोक्स देने हैं एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू टेक इट अप धीरे 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 टेक इट ऑन टू योर नीज एंड देन गो बिहाइंड द बैक ऑफ योर था एरिया इस तरह से आप ड्राई ब्रशिंग करेंगे यू कॉनो टेक इट ऑल द वे अप एंड देन गो स्टार्ट डाउन अगेन एंड देन गो ऑल द वे अप अगेन, सो दिस इज हाउ यू को स्टार्ट ड्राई ब्रशिंग योर लेग्स

वांस यू डन विद द लेग्स अपने थाईज के फ्रंट और बैक हिस्से में इंक्लूडिंग योर हिप्स यू अगो टू ड्राई ब्रश आई एम गिविंग यूर डेमो सो ऑब्वियसली मैं ये कपड़ों के ऊपर कर रही हूं एंड आई एम शोइंग यू की आपको अपने स्टमक एरिया पे भी ड्राई ब्रश करना है एंड देन यू टेक इट अप टू योर आर्म्स दिस इज हाई स्पीड सो मेक दैट नोट कि ये आपको इतना फास्ट नहीं करना है बट बेसिकली यू गोन यो ड्राई ब्रश ऑन योर आर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर एंड देन गोइंग अप समथिंग लाइक दिस एंड उसके बाद आप अपने अंडर आर्म एरिया पर भी ड्राई ब्रशिंग कर सकते हैं बट यू विल ऑलवेज स्टार्ट नीचे से एंड देन गो अपवर्ड्स इससे आपकी बॉडी की एक एक्सपोलिएशन भी हो जाती है दिस ऑल्सो हेल्प्स विद सेल्यूलाइट ड्राई ब्रशिंग आप अपने अंडर आर्म्स पर भी करेंगे एंड देन यू गोन यो टेक इट ऑन द बैक ऑफ योर नेक स्टार्ट ब्रशिंग डाउन गो

रेगुलर वाटर इसको अच्छे से धो दें एंड लाइक एवरी टू थ्री डेज यूज लाइक अ सोप इज वेल लाइक अ जेंटल मैं तो फेस वॉश यूज़ करती हूँ ऑन दीज ब्रेसिस बार वॉशिंग इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली ऑल दैट डेड स्किन सेल एवरीथिंग इज अटैच टू दिस सो यू वॉन्ट टू सैनिटाइज इट करेक्टली दिस इज हाउ यू ड्राई ब्रश माई फ्रेंड्स ड्राई ब्रशिंग कैसे करनी है होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नाउ लेट्स गेट द द पार्ट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन डू नंबर वन थिंग रेटिनॉल रेटिनॉल ऑन योर बॉडी मैजिकल है रेटिनॉल एंटी अमेजिंग है बट रेटिनॉल क्या करता है स्किन सेल टर्न ओवर सो यू कैन स्टार्ट बाई यूजिंग अ रेटिनॉल बेस्ड बॉडी लोशन जो आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिलता है या अगर आप कंफर्टेबल हैं यू कैन लिटरीली टेक अ पी साइज अमाउंट ऑफ रेटनॉइन मिक्स योर बॉडी लोशन इमेजियटली क्रिएट लाइक अ custom retinol for yourself and apply it all over your body do this in the night time don't do it right after dry brushing so after dry brushing apne nahaya उसके बाद अगर स्किन सुपर सेंसिटिव नहीं है देन यू कैन डू दिस अदरवाइज डू इट ऑन अ डिफरेंट डे ड्राई ब्रशिंग इज नॉट समथिंग यू नीड टू डू डेली यू कैन स्टार्ट बाई डूइंग दिस ट्वाइस अ वीक देन बिल्ड इट अप टू थ्राइस अ वीक एनी थिंग फोर टाइम मोर देन फोर टाइम्स अ वीक आई पर्सनली थिंक इज अ बिट मच बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो कॉन्स्टली एक्सपोलिएटिंग योर स्किन सो चार बार से ज्यादा मत करें सो यूज योर ड्राई रेक्नॉल बॉडी क्रीम वैन यू आर नॉट ड्राई ब्रशिंग दैट्स नंबर वन रेक्नॉल रियली

आप फैट को रिड्यूस करें स्पेशली एनिमल फैट एनिमल फैट इन द एंड स्पेशली इन फ्यूर नॉन वेजिटेरियन डाइट, यू वांट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एट विच यूट रेड मीट, वेदर इट्स बीफ और मटन और एनी अदर काइंड ऑफ व्हिच इज ऑल ऑफ़ रेडमीट्स आर जनरली हैवियर फॉर वेमेन दैन दे आफ वो मेन लाइक फ्रॉम आर डाइजेस्टिव एंड हाउ आर बॉडी रियक्ट टू इट मटन वटन थोड़ा सा मुश्किल होता है औरतों के लिए सो so उसे आप रिड्यूज करें मे बी टू वन और बेस्ट फैट कॉन्टेंट सबसे ज्यादा आपको रेडमीट में मिलता है सो so रेडमीट uh, को रिड्यूज करना विल बी रियली रियली हेल्पफुल एंड फॉर अ टाइम बींग जब आप इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इट वुड एक्चुअली मेक सेंस टू मूव टू अ वेजिटेरियन डायट और अ डायट विच इज रियली रियली हाई इन फाइबर अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे मूव नहीं कर सकते माइंडफुली कंज्यूम अ हाई फाइब्रस डाइट अब नंबर फाइव पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स बिकॉज़ इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्युलाइट एंड आई एम रियली सेइंग बम 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 लाइक अ लॉट ऑफ सेल्युलाइट सालों साल लग जाएंगे विद ड्राई ब्रशिंग रेटिनॉल एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स मे बी एन ऑफिस ट्रीटमेंट इज अ गुड आईडिया

तब लेजर्स काम करते हैं बट एन एक्चुअल फैट मेल्टिंग टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू वर्क बेटर बट योर आई वॉन्ट टू से समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी फैट मेल्टिंग टेक्नोलॉजी वेदर इट्स कुल्स कल्प्ट या कोई और इफ़ यूर ऑप्टिंग फॉर एनीथिंग बी अ श्योर दैट यू हैव टू बी ऑन अ डायट आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा सो यू हैव टू बी अंडर यू नो 1300 हंड्रेड कैलोरीज इन अ डे मे बी यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग And then you take that in office treatment, Sirf treatment ke, you know not exercising yes they 'll give you some results, maybe you lose like one inch here one inch here one inch there, and they 'll say thing, people lost six inches, people lost twelve inches, but you don 't really know what they do is they measure you from different parts of your body and then they come to that big number it 's not like you lost twelve inches from your waist or from your thighs.

cellulite hair, then dry brushing, retinol, fibrous diet and less red meat is going to be your best friend. Video like, helpful lagi. Don't forget to subscribe. I will see you tomorrow with a brand new video. Till then take great care of yourself. Bye.